नमस्कार दोस्तों, इंफ्राटोस के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं मुंबई से, जहां पर दोस्तों मुंबई कोस्टल रोड को लेकर बीएमसी ने एक और सेगमेंट अभी तैयार कर दिया है और इसी महीने के मिड में इसको ओपन कर दिया जाएगा। दोस्तों मुंबई कोस्टल रोड अभी 70% के आसपास ऑपरेशन हो चुका है, कुछ सेगमेंट्स के ऊपर भी काम बाकी है क्योंकि कंप्लीशन के अलग अलग स्टेजेस में है। यहाँ पर स्पेसिफिकली मैं उस आर्क ब्रिज की बात कर रहा हूँ जो कि बांद्रा वर्ली से लिंक को मुंबई कोस्टल रोड से जुड़ेगा। इसकी एक साइड भी बनकर तैयार हो चुकी है। ड्राई वेदर के चलते बीएमसी इसका काम पहले ही कंप्लीट कर दिया है और अभी नॉर्थ बाउंड ट्रैफिक के लिए इसको ओपन किया जाएगा, यानी कि वो लोग जो कि मरीन ड्राइव से बांद्रा की तरफ जाएंगे वो इसका इस्तेमाल कर पाएंगे। अभी फाइनल तो नहीं है कि कब इसको ओपन किया जाएगा, लेकिन 15 सितंबर इसके लिए टेंटेटिव डेट रखी गई है। तो मोस्टली आप कह सकते हैं कि 2 से 3 हफ्ते के अंदर अंदर आपको ये ओपन होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्त अपडेट इंडियन एयरलाइन एयर इंडिया से है, जहाँ पर दोस्तों एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस को लेकर वो बेंगलुरु के कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एक एमआरओ फैसिलिटी को सेटअप करेंगे और इसके लिए अभी उन्होंने कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर दिया है। दोस्तों एयर इंडिया बेसिकली अभी एक एनसीआर बेस्ड कंपनी है, जहाँ पर दिल्ली आईजी एयरपोर्ट उनका मेन हब है जबकि मुंबई एयरपोर्ट को उन्होंने सेकेंडरी हब बना रखा है। आज से कुछ महीने पहले इनके द्वारा अनाउंसमेंट की गई थी कि वो देश के सदर्न पार्ट में भी एक एयरपोर्ट को मेन हब के रूप में डेवलप करेंगे ताकि वहां से डायरेक्ट इंटरनेशनल फ्लाइट्स को ऑपरेट किया जा सके, और अभी इसके लिए कैंपेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को चुना गया है। एयरक्राफ्ट की मेंटेनेंस, रिपेयर और ओवरहॉल का काम यहाँ पर किया जाएगा। 35 एकड़ के रैम इनकी फैसिलिटी फैली होगी जिसके ऊपर 1400 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट करेंगे। बोथ नैरो और वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट के लिए 12 हैंगर बेस यहाँ पर बनाए गए हैं और फ्यूचर में अगर जरूरत पड़ती है तो इसको बढ़ाया भी जा सकता है। इनिशियली यहाँ पर कुछ सिंपल टास्क किए जाएंगे और जैसे जैसे एमआरओ इवॉल्व होगी और जैसे जैसे यहाँ के लेबर स्किल्ड बन जाएंगे तो यहाँ पर कॉम्प्लेक्स टास्क भी किए जाएंगे। और अभी क्योंकि कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है तो पहला फेज 2025 के आसपास तैयार हो जाएगा। अगली दोस्त अपडेट ACC बैटरी PLI से है, जहाँ पर दोस्तों रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने PLI स्कीम के अंतर्गत क्वालिफाई कर लिया है और अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इनको एक मेगा ACC बैटरी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की स्टेब्लिशमेंट के लिए अप्रूवल दे दी गई है। तो सो बेसिकली ये फैसिलिटी हमारे देश में वन ऑफ द बिगेस्ट होगी जिसकी कैपेसिटी 10 GW पर आवर के आसपास होगी। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि ACC बैटरी एक टाइप का एनर्जी स्टोरिंग प्रोडक्ट ही है, जैसे कि कोई भी यूजुअल बैटरी होती है। इसे लिथियम आयन बैटरी से सुपीरियर माना जाता है इसकी हाई परफॉर्मेंस और सेफ्टी के कारण। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी सिस्टम्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स, पावर बैकअप सॉल्यूशंस, इस तरह की अलग अलग एरिया से इसका इस्तेमाल होता है। भारत में स्पेसिफिकली रिन्यूएबल एनर्जी और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को पुश करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके लिए PLI स्कीम लॉन्च की थी, जिसमें रिलायंस को मिलाकर कुल 30 GW पर आर की कैपेसिटी अवॉर्ड की जा चुकी है। 20 GW के आसपास अभी और अवॉर्ड की जाएगी। रिलायंस की जो फैक्ट्री होगी ये गीगा स्केल की फैक्ट्री होगी, जहां पर इन्वेस्टमेंट के बारे में तो नहीं बताया गया है कितनी इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट इनको PLI स्कीम के अंतर्गत 3620 करोड़ रुपीज के इंसेंटिव देगी। और ऐसा कहा जा रहा है कि जो भी बैटरी से बनाएंगे उनमें 25% के आसपास लोकलाइजेशन एक साल के अंदर अंदर अचीव कर लिया जाएगा और अगले 5 साल के अंदर अंदर ये लोकलाइजेशन 60% के आसपास हो जाएगा। अगली दोस्तों सिमिलर से अपडेट 3 और PLI स्कीम से है, जहां पर दोस्तों टेक्सटाइल, सोलर PV और फार्मास्यूटिकल PLI को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट एक्सपेंशन का सोच रही है और इसके थ्रू की कोशिश है कि भारत के इन 3 सेक्टर्स में ओवर इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया जाए। दोस्तों टेक्सटाइल और फार्मा PLI ऑलरेडी अच्छी खासी चल रही है, जबकि सोलर PLI के ऊपर अभी जस्ट काम स्टार्ट ही हुआ है। बहुत सारी कंपनीज को यहाँ पर अप्रूवल मिल चुकी है, मोस्ट प्रोबेबली ये भी सक्सेसफुल बनेगी। लेकिन इसके अलावा इस सेक्टर में बहुत सारी अभी ऐसी कंपनीज हैं जो इन PLI स्कीम के अंतर्गत इन्वेस्ट करना चाहती थी, पर क्योंकि उनके प्रोडक्ट सेगमेंट्स को इन PLI स्कीम के अंतर्गत इंक्लूड नहीं किया गया था, तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट से लगातार डिमांड कर रहे हैं कि उनके प्रोडक्ट सेगमेंट्स को भी इन PLI स्कीम में इंक्लूड किया जाए ताकि उनको भी इंसेंटिव मिल पाए। और अभी एग्जामिन करने के बाद ही सेंट्रल गवर्नमेंट इनके प्रोडक्ट सेगमेंट्स को इन PLI स्कीम्स में इंक्लूड करने वाली है, जिसके लिए इन PLI स्कीम्स का फाइनेंशियल आउटले भी इंक्रीज किया जाएगा। स्कीम्स का टाइम पीरियड 1 साल और बढ़ा दिया जाएगा और इसके चलते होगा ये कि और इन्वेस्टमेंट्स आएंगी, और प्रोडक्शन और जॉब जनरेट होगी, साथ साथ PLI स्कीम्स का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन भी हो पाएगा, क्योंकि अभी प्रोडक्ट सेगमेंट कम होने के कारण बहुत ही कम कंपनी जो अप्रूव की गई है। तो होपफुली हमें आगे चलकर एक्सपेंशन के अंतर्गत चीजें और बेहतर होती दिखाई देंगी। अगली दो अपडेट ग्रीन हाइड्रोजन से है, जहां पर दोस्तों ग्रीन हाइड्रोजन की ट्रांसपोर्टेशन को लेकर सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक फिजिबिलिटी के ऊपर काम स्टार्ट किया है और इसके थ्रू ये देखा जाएगा कि इसकी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कितनी होगी और इसकी जो ट्रांसपोर्ट ऑप्शंस हैं उनको भी एक्सप्लोर किया जाएगा। तो सर इसमें कोई शक नहीं है कि ग्रीन हाइड्रोजन एक फ्यूचर फ्यूल है। अभी जब ये स्टार्टिंग स्टेज में है तब भी ग्लोबल डिमांड का 6% भारत अकाउंट करता है, तो हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी बन जाता है कि इसकी प्रोडक्शन से लेकर डिलीवरी तक पूरा का पूरा इकोसिस्टम भारत में डेवलप किया जाए। और अगर ये नहीं होगा तो आगे चलकर हम एक्सपोर्ट करने की बजाय इंपोर्ट ही करते रह जाएंगे। अभी नेशनल हाइड्रोजन मिशन के अंतर्गत जो रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स बनाए जाने हैं, जहाँ पर ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस होगी, वहीं से इन हाइड्रोजन को डोमेस्टिक कंजप्शन और एक्सपोर्ट के लिए कैसे ट्रांसपोर्ट किया जाए उसकी यहाँ पर स्टडी की जा रही है। इनिशियल स्टडी में 2 चीज़ें सामने निकल रही हैं, जिसमें एक पाइपलाइन के थ्रू जबकि दूसरा ट्रांसमिशन लाइन्स के थ्रू राजस्थान से उड़ीसा के पारादीप पोर्ट तक ऑप्शंस को एक्सप्लोर किया गया था और वहाँ पर पाइपलाइन चीपर अल्टरनेटिव निकल कर आया है। अभी गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड IOCL
सेंट्रल इलेक्ट्रिसिटी अथॉरिटी, एनटीपीसी और कई सारी जो और बड़ी बड़ी फ्यूल कंपनीज हैं, उन्होंने मिलकर एक टीम का फॉर्मेशन किया है इसकी स्टडी को लेकर। और जब ये स्टडी कंप्लीट हो जाएगी तो इसकी ट्रांसपोर्टेशन को लेकर और चीज़ें क्लियर होती हुई दिखाई देंगी। अगली दोस्त अपडेट हमारी स्टार्टअप इंडस्ट्री से है, जहाँ पर दोस्तों इस साल का हमें एक और यूनिकॉर्न स्टार्टअप भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि बाइक हेलिंग प्लेटफॉर्म रैपिडो ने हमारे यूनिकॉर्न क्लब को ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों स्टार्टअप के बारे में मोस्टली सब जानते ही होंगे क्योंकि काफ़ी फेमस है। अभी मोस्टली टू व्हीलर के थ्रू ही इनकी जो ट्रांसपोर्ट सर्विस है वो ऑफर करते हैं, लेकिन रिसेंटली इन्होंने फोर व्हीलर कैब मार्केट में भी एंट्री कर दी थी, ताकि ये ओला और उबर जैसे जो कंपनीज हैं उनके साथ में भी कम्पीट कर पाए। और इसको अभी काफ़ी बड़ा पुश मिला है, क्योंकि कुल मिलाकर इन्होंने $200 मिलियन की फंडिंग सिक्योर कर ली है, जिसका एक काफ़ी बड़ा पोर्शन ये फोर व्हीलर सेगमेंट के ऊपर करेंगे और कई सारी नई सिटीज में भी इनको एक्सपांड करेंगे। इसके चलते इनकी ओवरऑल वैल्यूएशन $1.1 बिलियन पर पहुंच चुकी है। $200 मिलियन में से $120 मिलियन की फंडिंग वेस्ट ब्रिज की तरफ से इनको दी गई है सीरीज ई फंडिंग राउंड में। और वैसे ये फंडिंग को लेकर इनकी बातचीत पहली हो चुकी थी, अब जाकर ये डील कंप्लीट हो पाई है। रिमेनिंग $80 मिलियन इनको एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स से मिले हैं। होपफुली आगे चलकर हमें और यूनिकॉर्न्स देखने को मिलेंगे। अगली दोस्त अपडेट दिल्ली मेट्रो से है, जहाँ पर दोस्तों दिल्ली मेट्रो के फेज फोर में दिल्ली गवर्नमेंट ने एक और मेट्रो लाइन को अप्रूवल दे दी है, और इस बार रेड लाइन को एक्सपांड करने की बात की जा रही है। दोस्तों बेसिकली रेड लाइन रिठाला से नरेला को कनेक्ट करती है, रिठाला साइड से इसको कुंडली और नाथुपुर तक एक्सपांड करने की बात की गई है। 23.73 किलोमीटर के आसपास की टोटल लेंथ होगी, जिसमें 2.72 किलोमीटर का पार्ट हरियाणा में होगा, बाकी दिल्ली में होगा। 22 के आसपास स्टेशन यहाँ पर बनाए जाएंगे, जिसमें से 20 दिल्ली में होंगे, जबकि कुंडली और नाथुपुर हरियाणा में होगा। दिल्ली हरियाणा बॉर्डर के बहुत सारे जो नियर बाय विलेजेस हैं वो इसके चलते सेंट्रल दिल्ली से डायरेक्टली कनेक्ट हो जाएंगे और काफ़ी कम समय में एक जगह से दूसरी जगह के बीच में ट्रांसपोर्ट कर पाएंगे। अभी क्योंकि दिल्ली सरकार के द्वारा इसको अप्रूवल दे दी गई है, तो अब ये प्रपोजल सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में जाएगा। जैसे ही वहाँ से अप्रूवल मिलती है तो तुरंत इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया जाएगा। अगली दोस्तों अपडेट पंजाब से है, जहाँ पर दोस्तों पंजाब की जीरकपुर रिंग रोड को अभी NHAI ने दोबारा से रिवाइव कर दिया है और इसको लेकर वो एक फ्रेश प्लान प्रिपेयर कर रहे हैं। दोस्तों जीरकपुर रिंग रोड एक 16.5 किलोमीटर लंबा 6 लेन का रोड बाईपास है, जो कि अम्बाला से शिमला के बीच में ट्रैवल करने वाले कम्यूटर्स के लिए बनाया जा रहा है, ताकि वो चंडीगढ़ को एंटर किए बिना ही उसको बाईपास करके ट्रैवल कर पाए, जिसे इवेंचुअली चंडीगढ़ में जो ट्रैफिक कंजेशन है वो रिड्यूस हो पाएगा। 2013 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दिया गया था, पर क्योंकि लैंड ओनर्स ने कम बस स्टेशन के कारण कोर्ट में जाकर केस ठोक दिया था, तो उसके जस्ट एक साल बाद 2014 में कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया था और अब तक ये काम दोबारा से स्टार्ट हो ही नहीं पाया है। अब लेकिन इसको रिवाइव करने को लेकर NHAI ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के एडमिशन के साथ में रिवाइवल प्लान के ऊपर प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है। होपफुली जल्दी इसके ऊपर आपको दोबारा से काम स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट मैन्युफैक्चरिंग से है, जहाँ पर दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन GDP में और बढ़ाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट एक रैपिड मिशन के ऊपर काम कर रही है, और इसके लिए अभी वो इंडस्ट्री लीडर्स की मदद लेने वाले हैं। दोस्तों बेसिकली मैन्युफैक्चरिंग को लेकर इतना कुछ करने के बावजूद भी मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन GDP में उतना नहीं ग्रो हो पाया है जितना होना चाहिए। हालांकि PLI स्कीम्स के बाद यहाँ पर हमें अच्छा इंपैक्ट देखने को मिला है, जहाँ पर 2021 में मैन्युफैक्चरिंग का कंट्रीब्यूशन GDP में 14.4% के आसपास था, अब वो 2024 में बढ़कर 17% के आसपास पहुँच चुका है, लेकिन ये गवर्नमेंट के 25% के टारगेट से काफ़ी दूर है। उसके लिए अभी हमें बहुत काम करना होगा, और अभी आप कह सकते हैं कि ये रैपिड मिशन एक नया स्टिमुलस होगा इसके लिए। रिसर्च, एनालिसिस, प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन और डेटा इंटेलिजेंस, ये इस रैपिड मिशन की फुल फॉर्म होगी। 3 अलग अलग गोल्स में इसको डिवाइड किया गया है, शॉर्ट टर्म जो कि 2 सालों के लिए है, मिड टर्म जो कि 5 सालों के लिए है, और लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी जो कि 10 सालों और उससे ऊपर के लिए है। इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स, ऑटोमोबाइल, स्पेस, डिफेंस, एरोस्पेस, मेडिकल डिवाइसेस, ड्रोन्स, इन सब सेक्टर्स के ऊपर यहाँ पर स्पेशल फोकस किया जाएगा, और होपफुली इस मिशन के थ्रू हम GDP में कंट्रीब्यूशन को और बढ़ा पाएंगे। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट खत्म हो रही है मुंबई से, जहाँ पर दोस्तों मुंबई पोर्ट टैक्सी फाइनली टेक ऑफ करती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि MMRDA ने इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर साई ग्रीन मोबिलिटी को कॉन्ट्रैक्ट सौंप दिया है। तो उसे पोर्ट टैक्सी स्पेसिफिकली BKC के आसपास बनाई जाएगी, जो बांद्रा को कुरला से कनेक्ट करेगी। 8.8 किलोमीटर के आसपास इसकी लेंथ है, जिसमें 38 स्टेशन बनाए जाएंगे। अराउंड 40 KMPH की इसकी मैक्सिमम स्पीड होगी, और हर पोर्ट जो कि लोगों को कैरी करेगी उसकी सीटिंग कैपेसिटी 6 पैसेंजर्स की होगी। हर 15 से 30 सेकंड में आपको एक पोर्ट ऑपरेट होती दिखाई देगी। ऐसा बताया जा रहा है कि डेली इसके थ्रू 4 से 6 लाख लोग ट्रैवल करेंगे, क्योंकि BKC में वैसे भी काफ़ी रश रहता है। टोटल 1016 करोड़ रुपये इसका खर्च आएगा इसको बनाने के लिए, और अभी कंस्ट्रक्शन के लिए साई ग्रीन मोबिलिटी ने अल्ट्रा PRT के साथ में टाइप किया है, जो कि लंदन के हीथ्रो एयरपोर्ट पर हीथ्रो पोर्ट टैक्सी को ऑपरेट करता है, तो उसी की तरह ही इसको भी डेवलप किया जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।